पतंजलि आयुर्वेद की निर्माण इकाइयों को देश भर में स्थापित करने का उद्देश्य रहा है कि स्थानीय किसानों की फसलों को उचित दाम मिले व स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसी उद्देश्य से सुदूर उत्तर पूर्व भारत के तेजपुर में पतंजलि आयुर्वेद की असम यूनिट का 6 नवंबर 2016 को शिलान्यास किया गया था। अब इस यूनिट में बाथ सोप, शैंपू, फेस वॉश तथा पावर वीटा का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जिसके शुभारंभ के लिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज गत 22 मार्च को तेजपुर स्थित पतंजलि आयुर्वेद पहुंचे। आचार्य जी के पहुंचते ही लोगों ने शॉल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महिलाओं ने ओम व हुलहुली की पावन ध्वनि पर आचार्य जी की आरती व तिलक कर स्वागत किया। तेजपुर स्थित पतंजलि आयुर्वेद में प्रोडक्शन शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम हवन का आयोजन किया गया था। हवन के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित असम प्रांत के कैबिनेट मिनिस्टर श्री रंजीत दत्ता, कैबिनेट मिनिस्टर श्री पल्लव लोचन दास, भाजपा सांसद श्री राम प्रसाद शर्मा, विधायक श्री बिमल बोरा ने भी अपने विचार रखे। इसके पश्चात सांसद श्री राम प्रसाद शर्मा व कैबिनेट मिनिस्टर श्री पल्लव लोचन दास ने बटन दबाकर प्रकल्प का शुभारंभ किया तथा पतंजलि आयुर्वेद का भ्रमण किया। इस अवसर पर असम की संस्कृति को दर्शाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। आज यह कार्य प्रारंभ दिवस है, एक तरह से इसको हम कार्य प्रारंभ दिवस कह सकते हैं। मैं दिन की गणना कर रहा था, हमारे बीच में हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। रंजीत दत्ता जी ये पहले जिस दिन मैं इस दिन इस जंगल में घूम रहा था, ये ड्राइवर थे और मैं इनका क्या था भाई साथी था, बॉस तो नहीं कहूंगा। फिर उसी तरह से तेरे भाई मंत्री हैं, ये इतना सरल है पल्लव जी, इतना सरल है। शुरू में मैं इनसे मिला भाई से, इनका पल्लव जी ये करना है, तो बस उसी दिन से साथ में है। हमारे माननीय शर्मा जी इधर के ये MP साहब हैं, कोई पूछ रहा था अभी मेरे को, बोले शर्मा जी को जानते हैं क्या? मैंने कहा इनको तो जम्मू कश्मीर तक के लोग जानते हैं। तो साथ ही हमारे राजू साहब, ये यहाँ जो एयरफोर्स का जो पूरा क्षेत्र है उसको आप पूरा इंचार्ज हैं, आप उसको देखते हैं, और ये भी इतने सरल हैं। भाई को मैंने कहा कि आप लोग घूमते रहते हो जहाजों में ऊपर, मैंने कहा दो चार फोटो हमारे खींच दो, तो अपने आप कैमरे वालों को बैठा कर कई सारे फोटो खींच रही है, और हमने ड्यूटी लगा रखी कि 8-10 दिन में एक फोटो जरूर खींच रहा, और आज भी ले लिया। और बहन जी इतनी दिव्य है, इनकी जो धर्म पत्नी है, क्योंकि इन्होंने सदैव स्वामी जी के संकल्प के प्रति आप पूरी समर्पित हैं, और सबसे पहले अंदर भी जो बड़ा शॉप जो है पतंजलि प्रोडक्ट का आपने खोला हुआ है। इस तरह से आज हमारे ये घरेलू अतिथि लोग हैं, क्योंकि बाहर से कोई बड़ा स्वरूप नहीं बनाया गया था। इसी तरह से इस कार्य को इस स्वरूप में पहुंचाने के लिए इधर उदय जी भी बैठे होंगे कहीं, क्योंकि शुरू शुरू में ये जंगल में लाने के लिए इधर ये चाहता था कि इधर ही हम आए, तो ये प्रेरणा रही, और इनका सामान ताम झाम जो डोजर से लेकर के जो भी साधन था वो हमारे लिए सहयोगी रहा। और इस जंगल में पहले दिन से लेकर के और आज तक, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है आप जानते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के विषय में बाहर जो है अब वातावरण बदल रहा है, अब लोगों की मानसिकता बदल रही है, परंतु शुरू में इतना कठिन काम था। इस कठिन काम के लिए मैंने चयन किया संत बहादुर जी का,
टीम है, ये एमपी है, हमारे डीसी साहब हमारी टीम है, इंडस्ट्री के भाई हमारी टीम है, सब लोगों ने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई बहन यहाँ पर आप बैठे हैं, ठेकेदारों में नितिन जी नियची कंपनी का नाम है, नाम नितिन है, और मुल्ला जी जो है इनके एक बहुत अद्भुत आदमी है, ये मुल्ला जी जो है इन्होंने इस तरह से काम किया, जब शुरू में एक महीने के बाद जब मैं यहाँ आया, 6 तारीख को हम लोगों ने नवंबर को भूमि पूजन किया था, मैं दिसंबर 8 तारीख को यहाँ पर आया था, दिसंबर 8 को यहाँ आने पर मैंने पाया कि तो जंगल था पूरा यहाँ पर, आपको पता वो हाथी वाली कहानी और हो गई, हम तो प्राणियों की रक्षा में विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर और बोलते हैं कि हाथी हाथी, अरे भाई हाथी ये तो खेतों को पार करते हुए आया, लेकिन उसमें तो था नहीं, तो वो भी हुआ, तो ये थोड़े समय पर जब मैं आया मैं चिंतित हुआ कि मैं किस तरह से इस कार्य को हम पूरा कर पाएंगे, फोन किया, मैंने कहा भाई नितिन भाई ये कहीं बाहर थे कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमको बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट है मार्च में प्रोडक्शन का, आपने एक क्षण भी नहीं लगाया, दूसरे तीसरे दिन पूरी डॉक्टर होते जी और इनके हमारे मुल्ला जी तो बहुत अद्भुत है, होते जी भी पतले हो गए, वे मोटे थे पहले, यहाँ आसाम को पानी ने और काम ने कर दिया पतला, और इसी तरह से बाकी जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर आए हुए लोग हैं, अरुणाचल से भी साइंस सेक्रेटरी साहब यहाँ पर हैं, तो इनको भी शुभकामनाएं हैं, तो एक टीम की भावना से इसी तरह से मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे आर्किटेक्ट जो है खट्टर जी राजेश जी, क्योंकि शुरू से लेकर के ड्राइंग डिजाइन के अंदर दिन दिन रात करके लगे रहे, और हमारी हरिद्वार की जो पूरी टीम यहाँ पर है कि चौधरी से लेकर के हमारे राणा जी से लेकर के हमारे नागपाल जी से लेकर गुप्ता जी से लेकर के और हमारा जो है मुनिराज बिस्किट वाले हमारा, तो वही ज्यादा याद रहता है क्योंकि आसाम में और इधर बंगाल में ज्यादा बिस्किट खाते हैं तो सभी लोग जितने भी भाई दूसरे ठेकेदारों में जिन्होंने ईडीपी का काम किया, सर्विसेज का काम किया, हमारे मुस्तफा जी अस्पताल जी ने बड़ा काम किया, तो सभी लोगों ने यहाँ पर एक अद्भुत अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य, जितने भी मेरे बाकी जो भाई लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, पुरुषार्थ के साथ यदि इस अभियान को न करते तो आज हम स्थिति पर किसी भी हालत में न पहुंच सकते। और दूसरी बात यह है हमारी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहने हमारे संगठन में हमारी संस्था में वो हमेशा अग्रणी रहती है, तो इस कार्य में यहाँ पर इस स्वरूप में पहुंचाने में उनका भी कॉन्ट्रेक्टर सप्लायर में मेरी माताएं बहने हैं, ये अद्भुत काम है, तो अब असम लाहे लाहे रह गया, अब तो फास्ट फास्ट हो गया, अब आगे आगे हो गया। और दुनिया के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा ही नहीं सबसे फास्ट प्रारंभ होने वाला प्रोजेक्ट के रूप में इसका नाम दर्ज हो गया है। यदि मैं अब टोटल दिन की बात करूं, जिस दिन हमने भूमि पूजन किया था एक महीना तो हमको जमीन तैयार करने में लगा, उस जमीन तैयार करने के दिन को भी मैं गिन लूं, आज टोटल हमारे 135 दिन होते हैं, 135 दिन में 30 दिन तो हमने जमीन तैयार किया, और उसके बाद में 15 दिन लगभग बारिश ने भी हमको लिया, 2-4 दिन हाथी ने भी ले लिया, दिन कितने बजे आप ही बता दो, कितने दिन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये तैयार होना, मैं एक तरह से मानता हूँ यहाँ पर हमारे संगठन के भाई बहन भी हैं जो भारत स्वाभिमान के, हमरो स्वाभिमान के और हमारे पतंजलि योग समिति के भाई बहन यहाँ पर हैं, उन सारे लोगों का भी योगदान है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि पुलिस व्यवस्था सुरक्षा सभी लोगों का, क्योंकि एक मानसिकता ऐसी थी कि असम में काम करना सबसे कठिन है, हमने यह दिखाया है कि असम में काम करना सबसे सरल है, इसका यह उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए आंखें खोलने के लिए कि हमने कोई छोटा सा काम करके ये नहीं कहा कि यहाँ आओ, हमने काम सबसे बड़ा करके दिखाते हैं कि तुम भी यहाँ आओ, ये देश के लिए दुनिया के लिए और यहाँ के लोगों का भी सहयोग, हालांकि शुरू शुरू में क्योंकि यहाँ की कुछ मानसिकता थोड़ी सी बनी हुई है वो धीरे धीरे, इनकी अच्छाइयाँ भी तो बहुत है, यहाँ के लोग ऐसा नहीं कि उनके अंदर दोष ही है, थोड़े थोड़े हैं, जैसे हम लोग शुरू में काम करने के लिए यहाँ पर आए बहुत सारे लोग आ गए, बोले हमको काम चाहिए, हमने कहा भाई काम तो देंगे क्या करोगे, बोला सब कुछ करेगा, हर कोई आते ही कहता सब कुछ करेगा, हमने कहा सब कुछ में क्या करेगा, बोला हम बिल्डिंग भी बनाएगा, हम दीवार भी बनाएगा, हम
और फर्श भी बनाएगा, सब करेगा। हमने कहा कोई साधन है? बोले ना सिंगल मैन है, सिंगल मैन आर्मी वर्क करेगा सब कुछ। तो धीरे धीरे उन भाइयों को भी हमने हतोत्साहित नहीं किया, उनको भी प्रोत्साहित किया। जहां भी जिस भी कार्य के लिए जो लोग उपयुक्त हो सकते थे उन लोगों को उस कार्य में लगाने का हमने शुरू से ही प्रयास किया। बड़े छोटे बड़े मिला मुलो करके करीबन 57 तो कॉन्ट्रेक्टर्स हैं यहाँ पर। तो ये 50 मतलब आधा शतक तो अर्ध शतक तो ठेकेदार है यहाँ पर। तो इस तरह से ये काम चल रहा है। ये मानिए सौर ऊर्जा के लिए भी हमारे तिवारी जो है विशाल जी और उसकी टीम, सोलर के लिए भी यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट का किसी भी उद्योग के छत पे लगाने वाली ये सबसे बड़ी सौर ऊर्जा का यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। करीबन 7 मेगावाट बिजली हम यहाँ पर सूर्य से भी पैदा करेंगे। तो इस तरह से यह कार्य रात दिन एक करके ये सब काम चल रहा है, शुरू हो चुका है। और आज यह सिर्फ औपचारिक नहीं है, मैंने कहा कि यह कार्यारंभ का दिवस है और पूरे जोर शोर से और टनों में सामान बनाने का सब फैक्ट्री सब चालू हो चुकी है। और प्रोडक्शन तो ये 5-6 दिन से कर रहे हैं पहले से, क्योंकि हमने कहा कि आते ही एक मैसेज ये जाना चाहिए कि हम कर रहे हैं, सिर्फ बटन दबा दिया और पता चले कि बाद में होगा, नहीं। आज पहला ट्रक डिस्पैच होने वाला है मंत्री जी यहाँ से। तो मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूँ, बीच में कुछ कुछ बातें उठती भी रही है। किसी ने कहा कि बोले यहाँ से कहीं बंगाल और बिहार से बोले मजदूर लाने वाले हैं। मैं कह देना चाहता हूँ कि हमको कोई शौक नहीं है। यदि तुम काम करने वाले हो तो सबसे पहली प्राथमिकता तुम्हें दी जाएगी। और मेरी दूसरी बात है कि हम नजदीक से शुरू हो रहे हैं। जो भी आसपास के लोग हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड थर्ड, तो उन आसपास के लोगों को ही हम प्राथमिकता दे रहे हैं। यह भी पतंजलि की विशेषता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर एक मानसिकता है, उद्योगों के अंदर लोग कहते हैं कि लेबर भी रखनी है तो दूर की रखो, नजदीक के लोग परेशान करते हैं। मैं पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जो नजदीक हैं वो भी मेरे भाई हैं, जो दूर हैं वो भी मेरे भाई हैं। इसलिए हम नजदीक वाले को बिना किसी भेदभाव के, यह पतंजलि ही संस्था है, चाहे मेरे यहाँ ठेकेदार हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे काम करने वाले दूसरे लोग हो, यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन है, यहाँ मुस्लिम्स भी हैं, यहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, हिंदू में भी अलग अलग मतपंथ संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर सब कास्ट के लोग हैं, यहाँ पर असमीज भी हैं, नेपाली भी हैं, बोडो भी हैं, बंगाली भी हैं, जो भी है वो सब है। यानी कि असम में कौन कौन सी जाति रहती है, असम में कौन कौन से धर्म होता है देखना हो तो मेरे पास आ जाना, यहाँ दिख जाएगा एक जगह। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमने सबको आश्रय दिया है, सबको सम्मान दिया है। कभी किसी के लिए श्री स्वामी जी ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र देवो भव की हम आराधना करते हैं, हम हवन करते समय भी राष्ट्र उत्तम राष्ट्राय स्वाहा इस तरह की हम आहुति देते हैं कि मेरा जीवन वह मेरे लिए नहीं है, मेरा जीवन मेरे देश के लिए है, मेरी संस्कृति के लिए है, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए। इस भाव से हम काम करते हैं। हृदय स्वामी जी की प्रेरणा, हृदय स्वामी जी की ऊर्जा और उनका जो तेज है वह इस कार्य को इस स्वरूप में ले जाने के लिए बहुत बड़ा संबल हम्बल है, वह उनकी प्रेरणा से ही यह सब कुछ खड़ा हो पा रहा है। तो आज का यह दिन यह ऐतिहासिक दिन है। मात्र 100 दिन से भी कम देने में टोटल दिन का काउंट करते हैं तो 135 दिन, आज 35वां दिन है। मैं दिन गिन रहा था कल, 135 दिन के अंदर लगभग 200 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ इतना बड़ा यह सेटअप खड़ा होना। इसके अलावा जितने लोगों ने सप्लाई की, चाहे वो प्रीफैब वाले थे और दूसरे सप्लायर्स थे, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई, हालांकि कुछ कुछ कार्य में विलम्ब हुआ। इसी तरह से हमारा भुवन प्रीफैब वाला, उसको लगा करके रखा बीच में, उनकी घर में डेथ भी हुई, साधु माम की डेथ हुई, फिर भी वो लगे रहे। तो आप लोगों ने सर्दी गर्मी धूप उसकी परवाह किए बिना परिवार की अनुकूलता प्रतिकूलताएं, तो इस तरह से सबके घर में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं रहती हैं। तो वातावरण के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से असामाजिकता रहती है, तो उस कार्य से उन सब चीजों से बिना भयभीत हुए
संत बहादुर जी डटे रहे और आगे भी हमारी यह सोच है कि इस कार्य को एक अद्भुत स्वरूप देने का यहाँ से दुनिया को मैसेज जाए। और जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी दूसरे लोग आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम प्रयास करेंगे आपको अधिक से अधिक कार्य दे दें, पर यदि हम सबको काम ना दे पाए तो भी आप हमारा साथ देना, हम दूसरे उद्योगों को ला करके फिर भी आपको काम दिलाने का काम करेंगे। तुम इसकी परवाह मत करो, सबको पतंजलि में काम मिले, तुम इसकी परवाह करो, पतंजलि वाले आगे बढ़े तो दुनिया अपने आप यहाँ आई। हमारे मंत्री लोग बैठे हुए, उनसे भी हमारे डीएम साहब भी बैठे हुए, क्योंकि आदमी को लगता है कि जैसे अभी शुरू हुआ, अभी 30-40 ही लोग रखे हैं, धीरे धीरे हम रखेंगे। और दूसरी बात, सभी लोग आसपास के लोग, मैंने कहा ना मेरे भाई हैं, क्योंकि हम लोगों ने आसपास के गाँव में 100 से ज्यादा योग शिविर लगाया हुआ है। वह पतंजलि योग संस्थान के पहले से जुड़े हुए मेंबर हैं, पहले से ही हमारे योग साधक हैं। उन साधकों के लिए यह कर्म करने के लिए जितने लोगों को भी हम मौका दे पाएंगे, हमारा प्रयास रहेगा। हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि किसी को मान लीजिए एकदम काम नहीं मिला। कई बार क्या होता है, वातावरण के अंदर कुछ नकारात्मक तत्व होते हैं, वो नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास करते हैं। वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं हिंदी में ना, हम लोग कहते हैं सिग ऊपर छोड़ देते हैं, वायरल छोड़ देते हैं जाकर के कान में। अरे वहाँ फैक्ट्री लगी, तेरे को काम नहीं मिला? बोले मेरे को भी नहीं मिला। बोले हिरण कैसे लगा ली? उनसे बच के रहना, उनसे सावधान रहना, समय लग सकता है। अरे भाई तुमको मिलेगा, तुमको नहीं मिला तो तुमको पड़ोसी को मिलेगा, तुम्हारे रिश्तेदार को मिलेगा, तुम्हारे गाँव वालों को मिलेगा, हमको कुछ को तो मिल रहा है ना। और इंटरनेट पर यहाँ पर ये भी शुरू हो गया है, अभी मैं इसके लिए सरकार से और मंत्री जी से भी बात करूंगा कि इंटरनेट में भी गलत गलत फॉर्म बना करके कोई 50 रुपए लेना शुरू कर चुका है, कोई 100 रुपए ले रहा है, कोई 200 रुपए ले रहा है, और कोई फॉर्म लेकर के गांव गांव जा रहे हैं, भाई तुम फॉर्म भरो। तो इन सबसे सावधान रहना, सभी लोगों को यह संदेश पहुँचाना। पतंजलि ना तो इंटरनेट से भर्ती करता है, न गाँव गाँव जाके फॉर्म भरता है, हम सिर्फ एक काम करते हैं, वो मैंने कह दिया है, हमारे लोग गाँव गाँव जा करके योग शिविर लगाने का काम करेंगे, उन सब लोगों को हम स्वस्थ बनाते हुए उन लोगों से भी सेवा के कार्यों में भी हम नियुक्त करेंगे। पतंजलि एक ही काम करता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें कि हमारा यह बढ़ेगा। अभी जैसे पास में अभी डावर का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने वाले कुछ दिन में, जो पास में फैक्ट्री और भी लगी है 3-4, हमारे आने की वजह से उनको ताकत मिली, वो बेचारे उनके पैर उखड़ रहे थे। तो पतंजलि अपने आप मजबूत नहीं होता है, वो दूसरों को भी मजबूत करता है। उसका एक उदाहरण यह तेजपुर का जो है ना, यह यूनिट है, यह तेजपुर का प्लांट है, जो कहने के लिए बालीपारा का यह जगह, ये ऐतिहासिक भूमि बन गई है। वैसे तो यह वीरों की, शहीदों की भूमि है, असम प्रांत ने बहुत सारे जज्बाते झेली है इस देश की आजादी के लिए, यहाँ बहुत वीर हुए हैं, शहीद हुए हैं, बहुत सारे संत महात्मा हुए जो आज पूरे देश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, हमारी परंपरा के लिए गौरव है। तो उन वीरों की, शहीदों की, क्रांतिकारियों की, संतों की, महापुरुषों की भूमि में एक नया अध्याय पतंजलि के माध्यम से लिखा जा रहा है। तो जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वह न केवल अपने लिए, अभी तो वह पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं। और हमको गौरव है, गर्व है इस बात के लिए कि सदैव स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि ने नॉर्थ ईस्ट में आकर के पूरे देश के अंदर इस बात के लिए आप सब असम के भाई बहनों को कृतज्ञ होना चाहिए, होना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वामी जी ने जो यहाँ के मानसिकता को, वातावरण को बदलने का काम किया है, उससे आप पूरे नहीं हो सकते। आप अच्छे हो, आप भोले हो, आप देश के लिए अच्छा सोचते हो, परंतु कुछ जो असामाजिक तत्व की वजह से जो बदनाम हुआ था प्रांत, हमने कहा कहाँ काम कर रहे, हमने कहा बोडोलैंड में कर रहे हैं। बोले वहां तो सारे उग्रवादी रहते, सारे बोड़ो उग्रवादी थोड़ी है, एक मानसिकता ऐसी बना दी गई। तो उस मानसिकता को भी तोड़ने का काम कोई करेगा तो वह पतंजलि योग पीठ करेगा। अब हम कार्बियां लोगों के लिए भी हम सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, पूरे असम के लिए सोच रहे हैं, अरुणाचल के लिए भी सोच रहे हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। यह मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, ये 3-4 बातों को समझिए। एक पार्ट हुआ आपके रोजगार के लिए, रोजगार दो तरह से, एक डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब फैक्ट्री में, दूसरा इनडायरेक्ट, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं ना, तुम रेना लगा करके सब्जी भी बेचना शुरू करोगे ना। अब ये जो काम करने वाले छोटे, तो जितने भी अनस्किल्ड यहाँ मिलेंगे स्किल्ड में हम रखेंगे, पर जो बाबू लोग आएंगे ना, उनको भी
सब्जी चाहिए, रेडे रिक्शे वाले उनकी बीबियां तो रिक्शे में बैठ करके कहीं जाएंगी, बट ट्रक वाले तुमको सामान भी तो लाना पड़ेगा, यदि उसको आप गणना करोगे तो लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगा। तुम्हारे पास जमीन है, खेती है, अभी हम उसके लिए योजना बनाने वाले हैं, हम क्या क्या यहाँ पर उगाएं, कौन सी जड़ी बूटियाँ उगाएं, कौन से भोजन हम यहाँ पर, कौन से खाद्यान्न हम तैयार करें, उसकी हम पूरी योजना बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को अपने घर में रहकर के आप अपने मालिक बन सके, इसका प्रयास भी पतंजलि करेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वातावरण अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा, कितना पर्यटन इधर आएगा मैं आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ आसाम को मैंने इतनी गहराई से जब कार्बियोलोंग इधर मैं अरुणाचल के कुछ क्षेत्र में मेघालय वगैरह जब मैं गया और पूरा आसाम के कोने कोने को देखा, ये इतनी सुंदर जगह है, दुनिया न जाने कहाँ कहाँ पर पर्यटन के लिए जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से तुम्हारे नाम के 2-3 करोड़ लोग भी आ गए तो तुम्हारा रोजगार का साधन तो ऐसे ही पैदा हो जाएगा। हम वो वातावरण बनाएंगे तो आप लोग को साथ देकर के खड़ा होना होगा। पतंजलि आपका अहित नहीं करेगा, पतंजलि आपके हित के लिए हमेशा सोचेगा, सोचा है, क्योंकि हमारे लिए देश की सेवा कुछ नहीं है। तो यह एक अभियान है, इस अभियान का नेतृत्व सदैव स्वामी जी कर रहे हैं, यह परमात्मा की कृपा है, इस दुनिया की व्यवस्था है कि ये एक मौका बना करके हमको काम करने को एक मौका मिला है। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सबको हमारी आज की इस पावन दिवस पर बधाई हैं। और मैं आज हमारे जो मुख्य मुख्य रूप से, क्योंकि अगला जो इसका भव्य जो बड़ा फंक्शन होना होगा उस समय पर तो बहुत लोग होंगे, आज भी ये भी हमारे यूँ देखा जाए तो कोई छोटा फंक्शन नहीं है, तो ये भी बड़ा है। तो आज मैं थोड़े थोड़े समय के लिए भाई पल्लव जी को भी, मामा रणजीत जी, मंत्री जी को, माननीय शर्मा जी को मैं कहूँगा कि 2-2 मिनट अपना शुभकामना दे दें। और ये मैं आज हाथ लगा दो जरा इसमें, पहले सब हाथ लगा दो, ये मशीन से निकली हुई पहले प्रोडक्ट है। ये देखो, कई लोग कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हमको या इधर, क्योंकि छोटी छोटी माताओं बहनों की आदत है या गांव में बहुत गरीब हैं तो शैम्पू वगैरह यूज करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे पाउच 2 रुपए में, देखो शैम्पू 2 रुपए में भी आप अपने शैम्पू यूज कर सकते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे पैकिंग भी यहाँ पर हम लोगों ने किया है, ये सब तरह से बाकी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। मंत्री जी, खुशी की बात यह है, इसमें लिख रखा है बाले पारा तेजपुर आसाम, ये तेजपुर आसाम प्रवेश में जाएगा, इसके लेवल के अंदर यही लिखा है, तुम देखते हो ना बेटी, में हरिद्वार लिखा है, अब बाली पारा आसाम जो है पूरे देश जानेगा कि ये बाली का पारा कहाँ है। ठीक है, तो ये असम अब पूरी देश में, पूरी दुनिया में ये पहुंचेगा, और इसके लिए आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 बधाइयां, और प्रोडक्ट यूज करिए, घर घर में पहुंचाइए। और एक बात और बता दूं, पतंजलि की प्रोडक्ट से दो बातें हैं, तो हम इस बात के पक्षधर हैं कि सभी हेल्दी कंपटीशन, यानी कि सभी कंपनी, हालांकि हम स्वदेशी के पक्षधर हैं, हम स्वदेशी की बात करते हैं कि स्वदेशी को आगे बढ़ाना चाहिए, देश का पैसा देश में रहे, देश के काम आए, देश के लोगों के द्वारा ही जो पैदा हुई जो चीजें हैं वो देश में ही होना चाहिए, हम ये मानते हैं। पर कई बार विदेशी कंपनियां आती हैं, परंतु अब भी उनको यदि देश में काम करना है तो एक चुनौती पतंजलि ने पैदा की, ये तेल है, ये जितने का हम बेचते हैं इतनी बड़ी तेल दूसरी कंपनियां लगभग 2 गुने दाम में बेचती हैं, और इससे घटिया तेल बालों के लिए, ये एक केश के लिए जो हमारे सर पर लगाया जाता है उसके लिए, इसी तरह से एलोवेरा जेल जितने का यह है इससे 2 गुने मूल्य पर बेचते हैं। ये जो आपका ये सौंदर्य या टूथपेस्ट वगैरह, तो पतंजलि ने एक अभियान चलाया, पूरी दुनिया का सबसे सबसे गुणवत्ता में प्रथम होना चाहिए, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास हो और प्राइस हो जो बिल्कुल कम से कम हो, इस सिद्धांत पर हम काम करके हम इन उत्पादों को बना रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पुनः जैसे मैंने निवेदन किया यही मैं आप सब भाई बहनों से पुनः प्रार्थना करता हूं कि पतंजलि को मजबूत करिए, तो आपको मजबूत करने का काम तो फिर अपने आप हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय शर्मा जी को देता हूं कि 2 मिनट अपना उद्बोधन दें।
नमस्कार, आज यहाँ उपस्थित हमार पूज्यपाल आचार्य जी, हमार मंत्री रंजित दास, पलोसन दास डांगरिया, हमार जिला उपायुक्त मनोज जगह डांगरिया, एर एस एस पी पतंजलि प्रोडक्ट मैं आज शहे बस यूज कर मोर दातन एने प्रब्लम आसेरी मान्थ डॉक्टर दाँत लगे चंदा गार्डन यूज कर आज शहे बस हल 2010 पर आज डॉक्टर दाँत जो ना एक नम्बर दुई नम्बर एलोवेरा सोप यूज कर इन धुनिया और आरोसे मोगरा सोप आसे विभिन्न धरण सोप आसे नीम सोप आसे इन भारे স্বদেশী প্রোডাক্ট থাকে চুলির তেলে হোক সাবনে হোক শ্যাম্পুই হোক আমি কিন্তু এই ব্যবহার করার পাশত কোনো আজিল কষ্ট হওয়া নাই ধুনিয়া হয়েছে আর আটাইতো ইয়াত আই মাতৃ সকল আছে ধনী বাইদেউ সকল আছে আর ইভেন আমার ভাই ককাই সকল আপনাদের যদি গালের সাপ ভাল করবে লাগে